तो चलिए दोस्तों, देखिए एक दिन अच्छे से वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरा कुछ काम था। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा की वैकेंसी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी निकल रही है, अभी चतरा में आई है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने जामताड़ा का वीडियो देख लिया था। अब देखिए चतरा में मनरेगा के तहत जिसको हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी गारंटी रोजगार, ठीक, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह लागू हुआ था, के अंतर्गत सृजित पदों मतलब जितने भी खाली सीटें हैं, ठीक है, रोजगार सेवक हो गया, इन सभी के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि इन सभी पदों के लिए आपका जो है पत्र ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक, ऑनलाइन भरा जाएगा, और लास्ट डेट कब है तो फॉर्म भरने की तिथि 29 तारीख से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट हो जाएगा आपका 12/9/2023। ठीक है, कब से 12/9/2023 यानी कि 12 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट होगा। फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ हम बताएंगे आपको, और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो सब हम लोग जान लेते हैं। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा मनरेगा विज्ञापन संख्या 1/2023-24 है। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी सीटें खाली हैं वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला हमारा आता है प्रखंड कार्यक्रम। प्रखंड कार्यक्रम में टोटल वैकेंसीज देखिए, तो प्रखंड कार्यक्रम ये आपका अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में यानी कि एसटी में एगो सीट है और आपका इसमें कुल मिला के एक ही सीट होता है। फिर देखते हैं तो टेक्नीशियन सहायक, ठीक है, टेक्नीशियन असिस्टेंट यानी कि तकनीकी सहायक, सहायक सह अभियंता समकक्ष यानी कि जूनियर, सॉरी सहायक सह अभियंता इंजीनियर के समान होगा आपका। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के समान। इसमें जो है टोटल आपके 9 पोस्ट है, जनरल से 4, एसटी से 1, एससी से 1, ओबीसी से 1। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 और BC2 एक एक है। फिर क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, कुल मिला के 9 सीट होता है इसमें। ठीक है, अगला है तकनीकी सहायक कनिक अभियंता के समकक्ष यानी कि जूनियर इंजीनियर के समान, इसमें 3 सीट है जनरल से, एसटी से 1 भी नहीं है, एससी से 3 है। फिर BC1 BC2 से एक एक है, EWS से 1 है, कुल मिला के 9 है इसमें भी। ठीक है, फिर लेखा सहायक में 7 सीटें हैं, जनरल से 3, एसटी में 1, एससी में 1, बीसी में 1 में 1, ठीक, पिछड़ा वर्ग में 1 भी नहीं है, EWS में 1, कुल मिला के 7 सीट होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायक। कंप्यूटर सहायक में टोटल जो है 8 सीटें हैं, जिसमें से जनरल में 4, एसटी में 1 भी नहीं, एससी में 1 है, BC1 में 1 है, ठीक, BC2 में 1 है और EWS में 1 है, कुल मिला के 8 होता है। ठीक, अगला आता है आपका रोजगार सेवक, इसी में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, 30 सीट है, जनरल से 15 है, एससी से 1 है, एसटी से आपके 4 सीटें हैं। ठीक है, एसटी से 1 है, एससी से 4 सीटें हैं, BC1 से 3 सीटें हैं, BC2 से 4 सीटें हैं, EWS से 3 सीटें हैं, कुल मिला के 30 सीट हो जाती है। और यहाँ पे दिव्यांग वर्ग के लिए भी 2 सीटें आरक्षित इन्होंने कर दिया है, रिजर्वेशन कर दिया है। ठीक है, और प्रथम वर्ग के लिए 1 है और ग्रुप बी के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो दोस्तों इस तरह से कुल 64 सीटें हो जाती हैं, 64 सीट के आसपास निकल के आती है वैकेंसी। ठीक है, अब देख रहे हैं तो आगे चीज़ यहाँ बोला गया है कि आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक संख्या 1144 दिनांक 14/2023 से उपरोक्त कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है। ठीक है, आगे बोला गया है कि आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फिर बोला गया है कि नियुक्तियों में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या है किस पद के लिए। तो सबसे हमारा पहला पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है इतना बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन होता है ना कि इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत हार्ड लेवल का होता है इनका, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं और कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखिए यहाँ पे आपकी जो सैलरीज वगैरह मिलेंगी वो चीज़ मैं हम बता दे रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मंथली हॉरिजेंटल रुपीज इंडियन रुपीज में है फॉर लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। जिनका जो है 5 ईयर से कम एक्सपीरियंस है उनको कितना मिलेगा, तो 23,140 रुपया 5 साल से कम एक्सपीरियंस वालों को, किसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में, तकनीकी सहायक सहायक अभियंता में 22,000 है, फिर आपका जूनियर इंजीनियर में 19,000 है, लेखा सहायक में 14,300 रुपया है और कंप्यूटर सहायक में 14,300 रुपया सेम है दोनों का, फिर है आपका यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक में 11,000 रुपये हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर है आपका जिनका 5 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनके सैलरी में कुछ ज़्यादा है, जैसे कि 23,700 है, 25,500 है, 22,500 है, तो एक बार आप लोग देख सकते हैं रोजगार सेवक में 12,000 है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, 3 नंबर पॉइंट में भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। देखिए इन्होंने 4 नंबर पॉइंट में बोला है कि अगर आपको आरक्षण का दावा करना है तो आपको जो है आवासीय जाति आय जो भी है आपका वह ऑनलाइन अपलोड करना होगा या फिर कुछ लिया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है, तो आपको बनाना होगा और वही मान्य होगा। और यहाँ पे डेट भी दे रखा है कि आपका जो है 19/7/2019 या फिर उससे बाद का बना हो, ठीक है, उससे पहले का बना हो तो काम नहीं देगा, इन्होंने बता दिया है, तो 4 साल पुराना भी है तो चल जाएगा यहाँ पे आपका। आगे देख लेते हैं, तो इन्होंने नेक्स्ट चीज़ें क्या बोली हैं, एज लिमिट। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की जो बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्र सीमा इन्होंने दिया रहा है। देखिए जो लोग पुरुष उम्मीदवार हैं 35 वर्ष उनको दिया गया है जनरल कोटा से, और दिव्यांगों को 45 वर्ष, दिव्यांग के लिए बहुत ज़्यादा है। EWS के उम्मीदवारों को यहाँ पे 35 वर्ष है, BC1 ठीक है और BC2 दोनों को, पुरुष उम्मीदवारों को 37 वर्ष है, महिला चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों 38 वर्ष है, ठीक है, STSC की पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, ठीक है, ये चीज़ हो गई उम्र में। फिर बोला गया है कि भूतपूर्व सैनिक को जो है कोटी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में और 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, आवेदक भारत का कोई भी नागरिक यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, ये इन्होंने बोला है, बहुत गलत किया है यार, कम से कम झारखंड का नागरिक बोलो यार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, भारत का नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कोई भी राज्य का आदमी फॉर्म भरेगा, लेकिन कोई नहीं भरेगा, झारखंड का ही आदमी भरेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब विशेष रूप से चतरा ज़िले के ही लोग भरेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट के भी लोग भर सकते हैं जो आपके अगल बगल के हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो सामान्य निर्देश, जैसे कि सरकार के सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के पत्रांक संख्या के संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु, देखिए ये जो नियुक्ति है, नियुक्ति आपका 2 वर्षों के लिए किया जा रहा है, ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ भी जान लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, तो आवेदन कैसे करें, ये बोला है कि आपका जो है फॉर्म 12 सितंबर तक ऑनलाइन आपका झारखंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, जैसे होगा हम आपको करके कल अप्लाई करके दिखा देंगे, ठीक है। बोला गया है कि आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, क्या क्या दस्तावेज लेंगे, तो यहाँ पे आपको दस्तावेज लगेगा 100 हस्ताक्षरित फ़ोटो, 100 हस्ताक्षरित फ़ोटो मतलब फ़ोटो पे आपका सिग्नेचर वाला फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिस फ़ोटो पे आपका सिग्नेचर हो, ठीक है, जैसे ये फ़ोटो है तो इस फ़ोटो पे सिग्नेचर ऐसा किया जाता है, मान लीजिए मेरा नाम सागर है तो इस तरह से लिखूंगा मैं सागर, नीचे से लिखकर पूरे ऊपर चढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्य प्रमाण पत्र, सरकारी मान्यता संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्य प्रमाण पत्र, तो जो भी चीज़ें लगेंगी यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है, शपथ प्रमाण पत्र, इसका मतलब होता है एफिडेविट, ठीक है, आपको एक एफिडेविट लगेगा कि इससे पहले मैंने कहीं पर भी इस पद के लिए फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा है मतलब और काम कर चुके हैं रोजगार सेवक आप किसी भी पद पर, तो आप दोबारा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है, या फिर अभी तत्काल में किसी और डिस्ट्रिक्ट से इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार में ये फॉर्म एक ही जगह से अप्लाई होगा। देखिए बोला गया है कि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं, इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा, ठीक है, और ये चीज़ें बोली गई हैं। और यहाँ पर आपका ये अप्लीकेशन फॉर्मेट है ऑफलाइन के लिए,
लेकिन आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, देखिए ये एक चीज़ इन्होंने बोला है कि जिनका भी प्रमाण पत्र जो है ग्रेड में है यानी कि CGPA में है, तो वो अपना जो है प्रमाण पत्र को इसमें ट्रांसलेट कर लीजिएंगे परसेंट में। ठीक है, और प्रमाण पत्र संलग्न अनिवार्य करें, अंतरण करार एक पेज को नोट कर लीजिएगा कि मेरा इतना हो रहा है, उसको लिख के अपना साइन वगैरह करके उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ बोल दिया है कि जैसे बोला इन्होंने कि जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र ग्रेड अंकित हो, ठीक है, तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य करें। यार बोल दिया कि कॉलेज से ट्रांसलेट कराइए, आपका काम नहीं देगा, मतलब खुद से साइन करके नहीं चलेगा, कॉलेज आपको ट्रांसलेट करके देगा वो जो CGPA है परसेंटेज में। तो इतना हेरा फेरी है इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, देखिए आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा, तो बोला गया है कि जितने भी पद हैं पदों पर शैक्षणिक योग्यता के स्कोर के घटते क्रम में, मतलब जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले उनको लिया जाएगा, फिर कम वाले को मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाया जाएगा और तैयार की जाएगी एवं तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकता अनुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, जो टेक्निकल है जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भरे तो उनको टेक्निकल टाइपिंग वगैरह करा सकते हैं, डेफिनेटली कराएंगे। अब फिर बोला गया है कि जिला चयन समिति चतरा द्वारा मेगा सूची अनुमोदित की जाएगी। आगे बोला गया है कि तैयार प्रारंभिक मेगा सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर अगर किसी का त्रुटि हो जाता है किसी चीज़ में, ठीक है, नाम वगैरह चाहे कुछ भी हेतु जिला विकास ग्रामीण अभिकरण कार्यालय चतरा में उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदनाम से आवेदन दे सकते हैं, तत्पश्चात अंतिम मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसके उपरांत किसी आवेदक की त्रुटि हेतु आवेदन दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रोजगार सेवक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखिए दो क्वालिफिकेशन है, पहला है आपका एसेंशियल, ठीक है, और एक होता है अनिवार्य, जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना अगर है तो आप अप्लाई के लिए लायक बन जाते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली 10th + ITI आपके पास होना चाहिए। अगर आप 10th या ITI नहीं किए हैं, 10th तो किए हैं लेकिन ITI नहीं किए हैं, तब आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप केवल 12th पास है फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप 10th के बाद केवल ITI किए हैं फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG जिसको MA, MCOM या MSc भी बोल सकते हैं, अगर आपने किया है तो 5 मार्क्स आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, समझ गए। और ये जितना भी आएगा आपके मार्क्स के आधार पर जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट स्नातक यानी कि आपका इंटरमीडिएट में कितना मार्क्स है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, इस आधार पे जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा, समझ गए। तो जो लोग ज़्यादा मार्क्स लाए हैं ग्रेजुएशन में यहाँ पर फ़ायदा होगा आपका, इंटर में फ़ायदा होगा, मतलब जहाँ पर अगर आप अधिक मार्क्स लाए हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया और कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सहायक। इसके लिए क्या बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है आपको BSc कंप्यूटर ऑनर्स या फिर BSc कंप्यूटर सामान्य, ठीक है, जनरल या ऑनर्स दो में से कुछ भी, या फिर BCA यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDSC उत्तीर्ण हो, ठीक है, ये आपके कंपलसरी हैं। यार मुझे ना रात को दिखने नहीं लगता है, थोड़ा सा चश्मा लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो ये फिर यहाँ पे बोला गया है कि BCA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर के प्रतिशत जो है 5 प्राप्तांक में 5 घटाते हुए इस तरह से BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने ग्रेजुएशन के पश्चात ये कोर्स किए हैं, ठीक है, तो सामान्य स्नातक के प्रतिशत के प्राप्तांक में 10 घटाकर BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।
समझ गए। ये जो है अगर आप इतना है तो आप क्वालिफिकेशन है कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपके पास सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जो है MCA मतलब कि मास्टर डिग्री है तो अच्छा है, ठीक है, आपको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर कंप्यूटर में समान योग्यता समझा जाएगा एवं तदनुसार प्राप्तांक मूल रूप से के कोटे के जोड़े जाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके पास इसमें समतुल्यता लाने हेतु प्राप्तांक में 5% अंक घटा दिया जाएगा, जबकि अभ्यर्थी जो BCA या सामान्य BCA के कंप्यूटर के पश्चात किए हों उनको 10 मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मुझे क्या बताऊँ आँख आज दिख नहीं रहा अच्छा से। आगे देख लेते हैं, तो है लेखा सहायक, ठीक है, इसको अकाउंटेंट असिस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं या फिर क्लर्क बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है कि अकाउंटेंट के लिए आपका सिंपली BCOM अगर आप किए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। BCOM कितना परसेंट, 55% अंकों के साथ अगर आप BCOM किए हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने MCOM किया है या फिर BCA MCA वगैरह किए हैं तो आपको 5 मार्क का एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया कि कंप्यूटर ज्ञान को सामान्य योग्यता समझा जाएगा, तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल्य रूप से जो है सेम इसी टाइप से जो लोग हायर क्वालिफिकेशन किए हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और उनको ही लिया जाएगा, क्योंकि जिनका मार्क्स ज़्यादा आएगा सबसे पहले उनको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है। आगे देख लेते हैं, तो अगला है आपका तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष। इसमें बोला गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा आपको करना होगा, ठीक है, प्राइवेट या प्राइवेट से क्यों डिप्लोमा या फिर गवर्नमेंट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो लोग BTech वगैरह किए हैं या फिर BE किए हैं तो उनको भी लिया जाएगा। क्या बोला गया है कि विभागीय पत्रांक संख्या 1/3/2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी BTech या BE उत्तीर्ण भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग BTech वगैरह किए हैं या फिर BE किए हैं वे भी यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग BTech BE या फिर BCA BSc कंप्यूटर, ठीक है, ये सब अगर आपने किए हैं MTech वगैरह तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। आप लोग को एक बार पढ़ लेना है इसको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर ये तकनीकी सहायक अभियंता, इसमें भी बोला गया है कि आप BE या फिर BTech आपका अनिवार्य योग्यता है इसके लिए, कम से कम आप BE या BTech होने चाहिए। उसके बाद MTech वगैरह का अगर आपने किया है तो आपको जो है 5 मार्क्स करके एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतिम वाला प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसमें सिंपली बोला गया है कि आपको जो है किसी भी संकाय में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन करना है, ठीक, ये आपका एकदम कंपलसरी है, 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो अगर आपने MA वगैरह किया है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और PGDR BC जो भी है हायर क्वालिफिकेशन है तो उनको ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा। फिर बोला गया है यहाँ पे ख नंबर में अतिरिक्त योग्यता में कि MCA MSc कंप्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एम तदनुसार उनके प्राप्तांक जो है प्रतिशत। देखिए सिंपली जो लोग ग्रेजुएशन के बाद MA कर चुके हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाला है, ठीक है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में बहुत हायर कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाएगा, और सबसे ज़्यादा फॉर्म तो मुझे मालूम है कि रोज़गार सेवक के लिए आएगा, ठीक है। तो जो भी लोग रोज़गार सेवक के लिए जाना चाहते हैं, आप लोग सोचते हैं कि ऊपरी कमाई तो बहुत ज़्यादा होता है इसमें ना, सभी लोग तो यही सोचते हैं कि ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा होता है। देखिए कोशिश है कि मतलब यह अनुमान लगाया जा रहा है हमारा के द्वारा कि 2400 जिला है ना, 2400 जिला में जिस तरह से होमगार्ड के फॉर्म को सभी जिला में निकला रहा था, किसी में ऑफलाइन किसी में ऑनलाइन, तो इसमें भी किसी में ऑफलाइन तो किसी में ऑफलाइन ऑनलाइन करके 2400 जिलों का मनरेगा के तहत वैकेंसी आएगी, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है, निकल रहा है धीरे धीरे, जैसे ही आएगा सबको बता देंगे। और ऑनलाइन फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा कल से 29 तारीख से, जो कि 12 तारीख तक लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे झारखंड के 24 जिलों के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और फीस वगैरह यहाँ पे नहीं देखें, देख लेते हैं एक बार दोस्तों, पूरे के पूरे फॉर्म में कहीं पर भी मैंने चेक किया फीस की बात नहीं की गई है, मतलब फॉर्म जो है फ्री है, ठीक है। तो आप लोग फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से हम आपको अपडेट देते रहेंगे जब भी आएगा किसी जिले का, एंड कल हम आपको फॉर्म भर के दिखा देंगे।
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।